बच्चों के अब हम जा रहे हैं विश करने, सो लेट्स गो। पंचू भी देखो एक्सपर्ट हो गया अब गाड़ी चलाने में। बाबा क्यालू जी का, महाराज जी का मंदिर वो सामने है, वो देखो। फ्रेंड्स ऑफ इरफान, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग ऑफ अवर चैनल। तो कल है पापा का बर्थडे, यानी 2 नवंबर को पापा का बर्थडे है। तो हम सभी अभी 12 बजे तक जागेंगे और 12 बजे के बाद उनको विश करेंगे। अभी 10 बजे हैं, तो 10 मतलब 2 घंटे का टाइम है और ठंड भी बहुत लग रही है। डर भी लग रहा है मुझे, डर लग रहा है इसको। हम बोल रहे हैं कुछ नहीं है डरने वाला, सो मिलते हैं आपको 2 घंटे बाद। सो हियर वी आर गाइस, 12 बज चुके हैं, हम जा रहे हैं विश करने, सो लेट्स गो। लेट्स गो। तो भी इस रात को सारे सोए हैं, चुप 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 करके जाना पड़ेगा, धीरे से जाते ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना हो। धीरे से धीरे से, यार मुझे तो डर लग रहा है उनकी नींद खराब हो जाए। हैप्पी बर्थडे, गैंग ऑलरेडी गाड़ी में पहुंच चुकी है और मैं भी निकल रहा हूँ, अब सामान लेके आते हैं। आराम से चलाना भैया, भैया चाइल्ड बच्चों को चलाना वैसे मनाही होती है, 18 नहीं। घर में आके ज्यादातर ना बच्चे मेरे साथ मतलब कंपनी ज्वाइन करते हैं और हम फुल एंजॉय करते हैं बच्चों। तो अभी हम सामान लेने जा रहे हैं, रात को जैसे मैंने बताया था कि जो लोकल मार्केट है अपनी यहाँ अटाड़ा पुल जो है मतलब सबसे पहले मार्केट पड़ती है, वहाँ पे जाएंगे और कुछ सामान परचेज करने की लिस्ट मैंने बनाई थी। मम्मा ने बताया कि आज बर्थडे के लिए वो कुछ चीजें हैं वो हम बनाने वाले हैं घर में ही। सो ये है हमारा अटाड़ा का पुल। पंचू भी देखो एक्सपर्ट हो गया अब गाड़ी चलाने में, धीरे धीरे चला रहा है, ठीक है। अंडर ऑब्जर्वेशन, अभी थोड़े सालों में ये 18 का हो जाएगा, फिर इसको लाइसेंस दे देंगे हम और ये भी गाड़ी। तो ये है वो रात को जो पुल हमने दिखाया था, कितनी देखो अच्छी लोकेशन है हमारे यहाँ की, शाम को बहुत अच्छा माहौल होता है यहाँ पे। अटाड़ा का पुल जो हमारी प्राइमरी मार्केट जहाँ से हम सामान परचेज करते हैं। 82-19-22-10 हमने सामान ले लिया और मैं ड्राइवर सीट वाली साइड एंटर होने लगा था, फिर पता चला कि आज तो ड्राइवर तंचू बना हुआ है। सो देखो हमारा घर वो वहाँ, यहाँ से अगर पुल से देखना हो तो वहाँ पे दिखता है पूरा, और ये इस साइड हमारा गांव। टिप्स दूंगा, सेफ्टी टिप देने वाला तंचू। और बच्चों हमने क्या खरीदा अभी ड्राइविंग में? हमें ये केयरफुल रहना होता है कि आगे गाड़ी आ रही है, हमें देखना होता है और हमें पास कब देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ड्राइविंग में यही होती है आपके लिए, हमें बस इतना पता लगना चाहिए कि आगे जगह है तो आगे जाओ, नहीं तो पीछे से ही पास दे लो। जगह का प्रॉपर ध्यान रखो। सरदार जी भी ट्रैक्टर को कहीं ले जा रहे हैं शायद, लगता है कहीं। और फादर साहब भी बाहर आके खड़े हुए हैं। तो अभी हमने सामान रखा है और अभी नेक्स्ट जो राउंड है हमारा लगने वाला है दोबारा गंगत। हमें ये चेंज करना है, हमें देसी लेना है। हाँ तो ये हम डालडा ले आए, हमें देसी घी लेना था। तो अभी हम गंगा जा रहे हैं और हमें बाकी बच्चे अभी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, और इनकी बूजी हमारे साथ अब जाएगी गंगा से कुछ सामान परचेज करना है और साथ में मुझे ये मछलियों को आटा डालना। नीलू पतीलू आ चुकी है अभी हमारे पीछे। नीलू पतीलू बोलता हूँ मैं इसको प्यार से, नीलू पतीलू। यार कौन रह गया आप? रिशु टिशु भी आ गया, रिशु टिशु। आपने लेना क्या है गंगा से, क्या लेना है आपने? नीलू पतीलू क्या लेना है? एक्चुअली हमने लेना है वहाँ से ना, वो कुछ सामान है मम्मा ने बोला हुआ ना, वो लेके आना है, जैसे सूट के रिलेटेड कुछ जैसे रील्स वगैरह, ये क्या बोलते हैं उसको, पाइपिंग वगैरह, वो सब लेनी है, रील्स लेनी है। सूट के सामान ही नहीं खत्म होते। यहाँ पे रोकना बेटा, यहाँ पे रोकना, यहाँ पे साइड, धीरे धीरे धीरे, आराम से राम रोक ले। यहाँ से मछलियों को आटा डाल देता हूँ नीचे। वो लोकेशन है जहाँ आपकी सिस्टर मतलब बूजी ने बोला था कि
अंकल जी सोनू रिड़क जाएगा तो ये वाली ये वाली पुली है वो जो दिख रही है ना सामने ये वाली पुली तो यहाँ और जैसे कि मछलियों को आटा डाला हमने ना उसके फायदे क्या होते हैं मतलब क्यों डालते हैं हम मछलियों को आटा सो उसके फायदे यही है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष नष्ट हो जाते हैं सारे और सुख समृद्धि आपकी लाइफ में आती है। पिछु पीछे होमवर्क देखो आजकल मतलब ऑनलाइन तो है ही बट ऑन कार देखो आप ऑन कार भी देख सकते हैं। गंगत में पहुंचने वाले हैं आपको दिखाते हैं अपना पांड्या वाला शहर के नाम से जो फेमस है यहाँ पर बल्टोइयां बनाई जाती हैं इसीलिए पांड्या वाले शहर के ये नाम से फेमस है। और जैसा कि टेम्पल बताया था बाबा क्यालू जी का टेम्पल बहुत विशाल यहाँ पे विद्यमान है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। रात को भी हमने दिखाया था वैसे वो जाते जाते सो कुछ झलकियाँ शहर की मैं आपको दिखा दूंगा फुटेजेस। ये मैंडी का पुराना स्कूल है उसकी बिल्डिंग का बैक साइड वहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाती है तो ग्रीन बिल्डिंग दिख रही है वो हमारा स्कूल है स्कूल है जहाँ पे मैं प्लस टू तक पढ़ा हूँ। ये दुकान सामने और सेल्स वगैरह भी काफी लग चुकी है आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे काफी चहल पहल हमारे सिटी में भी। और बाबा क्यालू जी का महाराज जी का मंदिर वो सामने है वो देखो हमारा लोकल पुलिस थाना और उसके पीछे जो मंदिर है ना वहाँ बैठ के हम खाना खाया करते थे स्कूल टाइम में मंदिर जब लंच ब्रेक हुआ करता था तो हम इस मंदिर में खाना खाया करते बंदे दी कोई गारंटी नहीं बट सूट दी फुल गारंटी 20 साल एक्चुअली यही थे वो बर्तन जिनकी मैं बात कर रहा था और इन बर्तन के लिए ही यहाँ पे फेमस है ये शहर हमारा पांड्या वाला शहर नाम इन्हीं बर्तन की वजह से दिया गया है। दूसरे स्टेट्स के लोग यहाँ पे आके ये बर्तन परचेज करके जाते हैं। यार रुमाला तो अभी हमने ले लिया बट सिस्टर बोल रही है कि बर्थडे है तो चलो एक शर्ट जो है वो गिफ्ट दे देते हैं तो यहाँ देखते हैं। हाँ जी बोलो क्या हुआ शर्ट करते हैं वो येलो वाला दिखा घर आके आपको टाइम और डे कौन सा है उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता टाइम कैसे बीतता जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। तुमने दोनों ने ले ली नहीं मैंने नहीं ली वो चाची ने ली ठीक है वो बूजी ने ली और चाची ने ली एक जैसी ले ली उसने दोनों तो एक जैसी क्यों ली डिफरेंट डिफरेंट कलर की लेना डिफरेंट टाइप की लेनी थी ना वो पसंद नहीं आ रही थी फिर नहीं ली। चलो ठीक है कौन सी एक ही घर में डलनी है कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा। चलो सामान सारा निकाल लो तो यहाँ पे पूरियों का काम भी चल रहा है ये प्रसाद है पहले हम पूजा करेंगे उसके बाद में फिर बच्चों के साथ ये देखो प्रसाद तो गुरुद्वारे में चढ़ाया जाता है।
की तन्वी आ जाओ, तेरे थोड़ी लड़कों की थोड़ी ना दिलवाते। ऐसे खड़े हो जाओ ना, वो कहाँ है पानी का है। आ जाओ तन्वीर। आशीर्वाद दो मुझे, लंबी उम्र का आशीर्वाद। थैंक यू। बड़ी कंजक्का भी 10 साल से नीचे उम्र की होती है कंजक्की। हाँ, तो मैं वही तो बोल रही थी, मैं कहाँ से जबरदस्ती ले आए। क्या दे रहे हो? क्या है? हैप्पी बर्थडे। फोन स्टैंड आ रही है फर्स्ट से। ये फोन स्टैंड है? ये फोन स्टैंड है। थैंक यू सो मच फॉर लवली गिफ्ट्स। देखो मेरी डॉल्स हैं, ये डॉल्स। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आया मैं फिर आके ना, फिर आके एंजॉय करते हैं, खाएंगे पियेंगे, पार्टी शादी करेंगे, ठीक है? पार्टी आई थी। इम्पॉर्टेंट काम पड़ गया है, उसको निपटाने के बाद वापस घर आके बच्चों के साथ फिर एंजॉय करते हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारा रोड जसूर से लेके इंदौरा तक सारा का सारा नया बन गया है, सो गाड़ी चलाने में काफी लंबे समय के बाद काफी मजा और अच्छा फील हो रहा है। और इंदौरा रास्ते में जाती बार कुछ ऐसे व्यू पॉइंट हैं जो मुझे पर्सनली बहुत मतलब अच्छे लगते हैं। काफी अच्छा व्यू लोकेशन यहाँ की, यहाँ से दिखाई देती है। यहाँ पे एक माता का मंदिर है आगे चल के, यहाँ पे आप देखोगे। गाइस आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या अचानक काम कर पड़ गया, सो काम कुछ ऐसा कि आपको अभी फिलहाल मैं नहीं बता सकता, बट इन फ्यूचर जरूर मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। सो अभी मैं अपने ससुराल में जा रहा हूँ, वहाँ से होते हुए फिर हम कहीं आगे जाएंगे जहाँ पे वो काम है और जो मैं आपको बाद में जरूर बताऊँगा। चनौर वाला एरिया है, लगभग यहीं से हमारी रिश्तेदारी सारी स्टार्ट हो जाती है। मैं भी हमारे एक रिलेटिव जोगिंदर जी का घर है, अक्सर हमें यहाँ इस टहले पे मिल जाया करते थे जब वो यहाँ हुआ करते थे, बट आजकल वो फ्रांस में है। वो अभी शायद वो भी वीडियो अगर देख रहे होंगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, आपकी यादों को हमने ताज़ा कर दिया। रोही, हाँ जी, आप कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? देख मेरा लशबा देख। अच्छा ये बता रहे थे आप हैं? ये बता रहे हैं, मेरे पा आया। मेरे पा आया। सत श्री काल, क्या हाल है? ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो? आपके साथ। सॉरी कौन जा रही हो? आखिर हैप्पी बर्थडे नहीं थोड़ा? अच्छा हैप्पी बर्थडे बोल दो, फटाफट हैप्पी बर्थडे बोल दो। बर्थडे विश नहीं करोगे मुझे? थैंक यू। अच्छा जी हैप्पी बर्थडे। अच्छे से बोलो बेटा, पहले बोलो। चलो फिर आ जाओ। थैंक यू। बच्चर जी बोलो पहले। बच्चर जी। बच्चर जी। हाँ जी। थैंक यू बेटा। तो भी करना है मेरा के। बेटा आप कल क्या खा रहे थे? गच्चक? क्या खा रहे थे? गच्चक। अरे अब तो सीख के बोलना है। चलो फिर बैठो। चलो फिर जा रहे हो भाभी? हमारे घर जा रही हो? नहीं मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। बट तो अच्छा तो मेरा बर्थडे मतलब मैं ही खुद लेने आऊँ आपको? हाँ मैं केक खाना है। आपने तो चॉकलेट ले ली? चले हाँ। क्या खाना है? पेस्ट्री खाएंगे? पेस्ट आ जाओ। अंडा लग के जाए अपने पीछे लगे। मॉडल स्कूल, इंदौरा स्कूल है ये वाला। इंदौरा स्कूल कौन सी लेनी है? मैं अपना यहाँ छोड़ के नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँगा। ठीक है ये रो। बर्थडे पार्टी कैलिब्रेट मैं करा देना, यहाँ यार करा देना मैं।
टेस्टी है, खाओ। ये तो टेस्ट होता है पाइन एप्पल, टेस्टी है, मजा आ रहा खाने। जिया दीदी को बोलना, जिया दीदी को बोलूंगा कि रूही को जो मैंने खिलाया था वो बहुत टेस्टी था। जिया दीदी ने बोला केक खिलाया था। अच्छा, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपने केक खाने में ज्यादा टाइम लगा दिया ना इसलिए। रूही मजा आया, क्या खाया तूने? समोसा, क्या बोलते हैं है? मसोसा। रूही ने क्या खाया आज? जोर से बोलो। पहले बताओ पहले क्या खाया जोर से? जोर से मसोसा, मसोसा ना, और केक भी खाया साथ में। हाँ। और गच्चे खाई। हाँ। क्या स्वाद, सबसे स्वाद क्या लगा? केक और मसोसा। हाँ। और बर्थडे का एक गिफ्ट और मिल गया मुझे, दे दो। हैप्पी बर्थडे। चलो ठीक है, थैंक यू। कलर भी देख लो। सो ये है हुड। अच्छा ना, मुझे गिफ्ट दिया ना, मैं अभी आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, ये लो। थैंक यू बोल दो। थैंक यू। इसको लगा के चेक करेंगे अभी है ना, और मम्मी नानी का गाना लगाएंगे इसमें अभी। अच्छा है, इनमें कीड़ियाँ होती हैं, ये कीड़ियाँ थोड़ी हैं, ये इसकी बनावट ही ऐसी है। ये है कीड़ियाँ, ये देखो लेस में कीड़ियाँ, ये करती हैं बच्चों को खराब अंदर से। हाँ, अच्छा बच्चों को नहीं करती, बड़ों को करती है, बड़े इसीलिए ये खाते हैं ना। हाँ मैं जा रहा हूँ अभी, तो फिर आएंगे ना फिर कल या परसों आएंगे। ठीक है, जाऊँ मैं। ओके बाय, सी यू, कल मिलते हैं। कल लेके आया मैं दीपीर जी नु, दीदी नु, जिया दीदी नु, कल फिर से आना। मेरी माछी नु, मेरी माछी नु, जिया दीदी। ठीक है, एक बार बता दो क्या क्या खाया आज? वो खाया क्या? केक। और वो खाया और क्या क्या खाइए? नहीं सब से बोलो। मोसा क्या था वो? मोसा। हाँ मोसा, मोसा। चलो ठीक है बेटा, फिर बाय। कर दो, बाय कर दो। अभी मैं जस्ट पहुंचा ही हूँ घर में, जो काम मैंने बताया था वो निपटा के, और बच्चे भी इनके साथ आज के शाम के कुछ पल बिताएंगे और इस ब्लॉग को क्लोज करेंगे। हाँ जी बोलिए। ले से जम्मू की देखना, टिकट कितने की है, बुकिंग करना डिफेंस कोटे में। ले से जम्मू की? हाँ जी, मतलब फौजी साहब आ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा आ रहे हैं कि आप? वहाँ की देख के फिर चंडीगढ़ की देखना, तो देखना मेक माई ट्रिप पे या किसी में भी सर्च कर ले, देख। तो क्या कर रहे हो आप, कंप्यूटर चला रहे हो? तो ये तो बंद है, स्क्रीन तो बंद है। चलेगी अभी दोबारा उठी थी और फिर क्या किया था? फिर खेल रहे थे, आओ मिलो शिलो शालो। सुबह उठ के 4 बजे उठ के लोग उठ के सुबह प्रातः काल का के लिए बाहर निकलते हैं, और तुम लोग बेड में क्या खेल रहे थे? आओ मिलो शिलो शालो। उससे कैसे खेलते हैं बताना शेरी? शेरी आजा। तो ये देखो हॉल पूरा फुल हो चुका है, तीनों भाइयों के बच्चे और ये हमारी सिस्टर, उसके बच्चे सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। सो चलो इनसे मैं एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछता हूँ, पूछूं आपको सबको। क्वेश्चन क्या है, एक राय है, मतलब काइंड ऑफ राय है, मतलब जैसे ना हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, जब हम केक काटते हैं जब लोग,
तो हम ना जिसका बर्थडे होता है उसके उसके नहीं, मान लो आपका बर्थडे है और आपके गाल पे केक लगाना किस किस को अच्छा लगता है वो हाथ खड़ा करे। नहीं लगता अच्छा आपको? किसी को अच्छा लगता हो? किसी को थोड़ा वो लगा दिया इतना अच्छा, मतलब अगर देखें तो तेरा भी ये नो ही है। ये हॉनेस्ट ओपिनियन है आप सबका, एक आधा परसेंट का आपका हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, पर सुनो हम, मतलब मैं जस्ट यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि देखा देखी हम कितनी करते हैं कि उस चीज को लगवाने वाले को भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मतलब लॉजिक क्या बनता है कि एक मुंह पे लगा, हम खाना खाते चपातियां खाते हैं तो आटा तो नहीं मुंह पे लगाते, बट कुछ चीजें लोग ऐसे ही देखा देखी में चलाते रहते हैं, हाँ भाई यार उन्होंने लगाया था बड़े लोगों ने तो हम भी लगाते हैं, जबकि वो मतलब एक दिखावा ही है मेरे हिसाब से, है ना, वो दिखावा ही है, वो बंद होना चाहिए आई थिंक सो। Happy birthday to you। चलो चलो पूछो बेटा। बेटा जो आपने वो अंदर देखा था ना कि दिया जला रखा है और कुछ पीछे लाल कलर से है ना कुछ वो रखे हुए थे ऐसे, वो क्या था उसको? हाँ उसको बोलते हैं बियाई, बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं? बियाई। तो बाकी वो दादी आपको बताएंगी कि क्या डिटेल में, मतलब क्या उसका मतलब होती क्यों होती है, क्यों पूछते हैं उसको कोई स्पेशल? वो पता क्या होती है कि बच्चा जन्म लेता है ना तब 11 दिन का होता है 21 दिन का होता है, तो जो हमारी कुलज होती है ना। जो समझ आ गई आपको? ये बता कि जो वो बियाई होती है वो किसकी होती है? वो कुलों की होती है। कुलों की नहीं होती है, जिसका बर्थडे होता है उसकी होती है। क्या समझे फिर तुम? कुछ भी नहीं समझे, ऐसे यस नारे लगा रहे हैं, बट जिसका बर्थडे होता है जिसका जन्म हुआ बच्चे का उसके नाम से बनाई जाती है। जब वो 11 दिन का होता है या 21 दिन का होता है, कभी तीसरे महीने में भी बना लेते हैं। एक ऐसा मंथ भी होता है, एक ऐसा मंथ होता है जिसमें जब मतलब स्टार्ट होगा ना वो पूरा एक महीना हम दिया जलाते हैं, लोगों के दांत टूट गए तो हम वो ब्लैक मंथ होता है। हाँ ये तो अब सबको पता चल गया कि क्या होती है बियाई। यस क्या होती है? सबसे जोर से तू ही बोल रहा है ना, मुझे पता है तुझे पता नहीं होगा क्या होती है। बेटा बताओ। चलो बानी बताएगी कि बियाई क्या होती है। जो जिस बच्चे का जन्म होता है ना उसके नाम से वो बनाई जाती है, और जब भी उनका बर्थडे आता है तो उसकी पूजा की जाती है और चने पूरी चढ़ाए जाते हैं उसके। ठीक है, बियाई के बारे में किसी को कोई डाउट? नो डाउट। मुझे है। क्यों? आपने ये तो पूछा ही नहीं कि वो सिर्फ लड़कों की होती है या लड़कियों की। तो पूछो बीबी को लड़कियों की क्यों नहीं होती? क्योंकि लड़कियां जो है वो दूसरे घर में चली जाती तो लेके चले उसको जो उस मतलब जो शॉर्ट आगे कुल बनाता है। इन शॉर्ट लड़कियां के लिए एग्जिस्ट ही नहीं होती है। इन शॉर्ट ऐसा हो सकता है, मैं एग्री कर सकता हूँ क्योंकि पुराना जमाना कुछ और था, उनके लिए लड़कियां एग्जिस्ट ही नहीं करती, आज कुछ और है। बट रही बाहर मतलब लड़की जब शादी होके चली जाती है तो क्या दिक्कत है, वो साथ में भी ले जा सकती है, बट वो पहले ही मतलब हो सकता है कि वो लोग सोच ऐसी रखते होंगी, जरूरत नहीं है तो भी लड़कों में, बट आजकल जमाना पढ़ा लिखा हो गया है, आजकल लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं। कुल मिला के आज बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत प्यार मिला, सबसे स्पेशल फील हुआ पूरा दिन। चाहे बीच में कुछ काम के लिए मुझे इंदौरा भी जाना पड़ा, बट वहाँ पे भी मुझे एक गिफ्ट मिला जैसा कि हुड मैंने आपको दिखाया। और ये कुछ पल जो शाम को हमने पूरी ज्वाइंट फैमिली के साथ बिताए, जी के साथ हम थोड़ा स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर हम क्लोज करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।